नमस्ते और ओम शांति आप सब श्रोताओं को आपको स्वागत है आपके ही पर, ही चैनल पर द द सोल ट्रुथ लाइज विद इन आत्मा आत्मा सत्य है को को तो तो परमात्मा पहचान सकते हैं तो आज के इस वरदान में जाने से पहले आगे जो लोग इसको इंस्टाग्राम में सुन रहे हैं वो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है जो कि यूट्यूब चैनल पर लेके जाता है जहाँ पर आप योगासन डाइट फ्लेक्सीबिलिटी चेयर पर बैठ करके भी कैसे आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं अगर आप ऑफिस में काम करते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में वहां पर भी बताया गया है और बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस प्लेलिस्ट में दी गई हैं आप वहां पर जाएं और आपको अगर अच्छा लगे तो आप औरों के साथ भी शेयर करें इस चैनल को सेवा के लिए तो आज के इस दो दिन के ईश्वरी वरदान में परम परमात्मा कहते कहें देखें इसको विस्तार में बाबा कहते हैं नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर नॉलेज तो परमात्मा ने हमें ब्रह्म कुमारी इसमें दी है और हमें सबसे पहला ज्ञान ये दिया है कि दुश्मन बाहर नहीं है दुश्मन अंदर है रावण अंदर है रावण बाहर नहीं है रावण मतलब यहाँ पर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सारी चीजें हैं लेकिन उसके भी बहुत महीन महीन होते हैं इससे जो कि पहचानने के लिए हमें आत्मिक और परमात्मिक ज्ञान ब्रह्म कुमारी मिलता है तो बाबा कहते क्या है और विस्तार में चलें नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भवा अब यहाँ पे रावण कौन है ज्यादातर देखा जाए तो हम सोचते हैं रावण हो गया जिसके दस सर हैं परमात्मा ने हमें ब्रह्म कुमारी सिखाया है कि जो भी आत्मा के अंदर संकल्पों में थॉट्स में लस्ट एंगर गृह अटैचमेंट काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है आगे देखा जाए तो ईर्षा घृणा नफरत आलिसन बहुत सारी चीजें हैं जो कि नेगेटिविटीज होती हैं जो कि हमारे संकल्पों में चलती हैं तो रावण कहा हुआ हमारे संकल्पों में तो ये तो एक आत्मा की प्रॉब्लम है चाहे वो स्त्री के शरीर में हो चाहे वो पुरुष के शरीर में हो तभी दिखाए गए हैं पांच विकार काम क्रोध अहंकार पुरुष के अंदर भी हैं और काम क्रोध लोमो अहंकार आपके एक स्त्री के अंदर भी हैं इसलिए दस सर दिखाए गए हैं एक सिंबल है ये तो अब परमात्मा कहते क्या हैं विस्तार में देखेंगे जो बच्चे नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं अब तो एक तो अनुभव होता है हम जब ज्ञान में आते हैं परमात्मा पिता के स्पिरिचुअल नॉलेज को लेते हैं इस गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में तो हमें आस्ते आस्ते आभास होता है हमें समझ आता है कि काम वासना क्या है क्रोध क्या है लोभ क्या है मोह क्या है और ये कितने डिफरेंट डिफरेंट रूप से आती है हमें फंसाने के लिए हमें अनुभव होता है अगर हम गिरते भी हैं फिर हम उठते हैं सीखते हैं इससे कि अच्छा इस बारी इसने मुझे ऐसे हराने की कोशिश करी जैसे कि आप कोई गेम खेल रहे हैं वीडियो गेम में भी हम देखते हैं फर्स्ट लेवल सेकेंड लेवल थर्ड लेवल तक पहुंचे आप फिर आप मर गए उसमें आप तो नहीं मरे लेकिन गेम में वो व्यक्ति जिसके द्वारा आप खेल रहे थे के द्वारा वो मर गया फिर से आपने शुरुआत करी उस गेम में फिर आप आगे गे, आगे गए आगे गए चौथे पांचवें लेवल तक तो पहुंचे फिर से आप हार गए फिर से आपने वन लेवल से स्टार्ट किया यहाँ पर भी ऐसे ही है तो हम आस्ते आस्ते करके हम इस ज्ञान के द्वारा हम परख पाते हैं कि ये व्यक्ति जो आया है ये क्या मेरे अंदर लोभ को जागृत कर रहा है व्यक्ति जो आया है क्या मेरे अंदर काम वासना को जागृत कर रहा है अब यहाँ पे काम वासना का मतलब ये नहीं की आपके अंदर कामी संकल्प हो कि किसी स्त्री पुरुष के बीच में अपवित्र संकल्प वो वाले नहीं काम वासना का एक और मतलब होता है कि आपको किसी चीज की कामनाएं हो इच्छाएं हो चाहे वो बहुत भोजन खाने की चटपटी चीजें खाने की कपड़े अलग अलग प्रकार के लगाने की सुंदर कपड़े लगाने की वो भी काम वासना भी हो गई इच्छाएं हो गई आपकी चीजें कलेक्ट करने की चाहे वो धन संपत्ति हो कुछ भी हो वो भी काम वासना के अंदर आ जाता है हम सोचते हैं कि क्रोध एक क्रोध एक सिर्फ चिल्लाने वाला व्यक्ति क्रोधी होता है लेकिन किसी को अगर किसी से ईर्ष्या है और वो देखता है कि वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है है तब भी तो क्या आता है? क्रोध आता है तो ईर्ष्या भी बन जाता है क्रोध का कारण किसी को अहंकार है किसी चीज के बारे में उसकी बात ना मानी जाए तो उसको भी क्या आ जाता है क्रोध तो अहंकार के कारण क्या आ गया क्रोध तो बहुत महीन महीन रूप से होता है किसी को किसी के साथ में बहुत ही कंपटीशन लगता है कि ये व्यक्ति कहीं मेरे से आगे ना बढ़ जाए तो वो क्या करता है उसको रोकने की कोशिश करता है वो भी क्या बन जाता है एक प्रकार का एक क्रोध का स्वरूप है आगे बढ़ गया तो आपको क्या फील होगा क्रोध फील होगा तो ये है भिन्न भिन्न रूप जो कि हम ज्ञान से समझ सकते हैं आगे बढ़ते हैं बाबा क्या कहते हैं देखें बाबा कहते हैं चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे अब ये सोने का रूप ही तो हो गया ना जलेसी भी एक सोने का रूप हो गया किसी ने आपको बहुत अच्छी चीज ला दे दी आपसे कुछ काम करवाने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए अपना दोस्त बनाया उसके बाद में जब काम हुआ छोड़ के चला गया तो आपको कैसे लगा आपको फील हुआ आपने अगर परख लिया होता कि इस व्यक्ति को बहुत ही चीजों की जरूरत है उसे मेरी जरूरत नहीं है तो आप उसमें अपने आप को इमोशनली कम इन्वॉल्व करते हैं या अगर आपको पता है कुछ काम करना आप काम करके उससे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते तो ये भी क्या चीज हुई ये आप अपने आप को बचा रहे हैं तो परमात्मा कहते हैं कि ये हीरे का रूप सोने का रूप को पहचान लो और फिर निर्णय लो अपने जीवन में ऐसी सच्ची सीताएं बन लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख हिम्मतवान बनो अब यहाँ पे सीता कौन है हम ज्यादातर सोचेंगे जो भी अलग अलग धर्मों वाले हैं इसको सुन रहे हैं वो सोचेंगे कि ये तो हिंदुओं की बात हो रही परमात्मा कहते हैं कि हिंदुओं की बात नहीं है सीता कौन है कोई भी व्यक्ति सीता हो सकता है और दिखाया जाता है रामायण में कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दिया अब लक्ष्मण रेखा क्या है लक्ष्य की रेखा कि मुझे पवित्र बनना है मुझे अपने मन के अंदर किसी के प्रति ईर्षा घृणा नफरत नहीं रखनी है मुझे लोभ नहीं रखना है वो एक लक्ष्य हो गया अब वो लक्ष्य रूपी रेखा को मैंने अगर पार कर लिया तो मैंने लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया फिर क्या हुआ उसके बाद में रावण दूसरी साइड में रावण मतलब कि वो लोभी व्यक्ति जिसने मुझे गलत दिशा दिखानी है जिसने मेरा सब कुछ ऐंठ लेना है वो कामी व्यक्ति जिसकी कामना कुछ और है मुझसे बस कुछ फायदा उठाना है मेरे साथ में कुछ और फायदा उठाना है मेरे साथ में संबंध सच्चा नहीं रखना है अपवित्र संबंध रखना है वो कामी व्यक्ति हो गया अहंकारी व्यक्ति जो कि मुझे अहंकार में डालेगा कि आप तो बड़े अच्छे हो आप तो बहुत महान हो आप तो ये हो वो हो अपना काम निकलवाए और चले गए अहंकारी व्यक्ति तो मेरे अंदर अगर रावण है मेरे अंदर दुश्मन है तो बाहर का दुश्मन मेरा बहुत कुछ बिगाड़ सकता है अब दुश्मन कौन है काम क्रोध लोमो अहंकार अगर मेरे अंदर ये सारी चीजें नहीं है तो मैं फटाफट मेरे अंदर सफाई होगी तो कोई व्यक्ति आएगा अहंकार काम वासना क्रोध वोध्य नफरत घृणा लेकर के तो मैं उससे बच पाऊंगा अपने आप को बचा पाऊंगा तो क्या हो गया मैं उस हिरण रूपी सोने के हिरण को मैंने देख करके आकर्षित नहीं हुआ ये मैं आकर्षण में नहीं आया अपने आपको बचा लिया मैंने तो परमात्मा चाहते हैं कि हम उस प्रकार की सीताएं बने जो कि उस रेखा को क्रॉस न करें हिम्मत रखें फिर यह रावण ही बहुसेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी तो वो हमारे ऊपर वार करने की जगह हमारी सहयोगी बन जाएगी कैसे बनेगी सहयोगी अगर आपके अंदर पवित्रता है तो आपके पास में उस प्रकार के व्यक्ति आएगा नहीं जो कि आपको अहंकार या ईर्ष्या या घृणा या नफरत आपके अंदर पैदा करे किसी के प्रति या किसी और के प्रति भी तो आप सेफ रहेंगे तो परिवर्तन हो गया वो भी फिर बाबा कहते हैं प्रकृति के पांच तत्व और पांच विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे या तो हम प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट हो चाहे वो लोभ के कारण हो खान पान के कारण हो बहुत ज्यादा चीज़ों से अट्रैक्शन हो कपड़े हो गए चीजें इकट्ठी करनी हो गई या तो हम उनके दास बन जाएं तो हम उदास बन जाते हैं क्योंकि वो सारी चीजें तो आज क्षणिक हैं कुछ खराब हुआ उदासी आ जाती है कोई नई चीज़ खरीदी खराब हुई उदासी आती है तो हम उसके दास बन गए उदास परमात्मा चाहते हैं कि हम उनके दास ना बने हम अपने कंट्रोल में रहें लोभ को कंट्रोल में रखें और हर एक चीज को हम एक ट्रस्टी बन करके अच्छे कार्य में लगाएं तो जाकर के उदासी नहीं आएगी तो जाकर के हमें चिंता नहीं होगी फिक्र नहीं होगी तो परमात्मा चाहते हैं कि पांच तत्व पांच तत्वों की तो चीजें होती हैं और पांच विकार ट्रांसफर होकर ट्रांसफर कहा हो जाएंगे परमात्मा कहते हैं ये सारे के सारे ट्रांसफर हो जाएंगे आपकी सेवा में होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे तो कोई व्यक्ति जिसके अंदर क्रोध था अहंकार था आप उसके साथ में मिलकर के आपने कोई काम नहीं किया ऐसा जो कि गलत काम हो तो वो व्यक्ति को आपके प्रति रिस्पेक्ट होगी और वो आपके साथ में सहयोगी बन जाएगा ना भी बने कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कुछ लोग तो परिवर्तन होंगे तो सच्चाई को देख करके सच्चाई आती है परमात्मा चाहते हैं कि हम इसी प्रकार से सेवाधारी बने और अपने आप को कंट्रोल करके आगे बढ़ते चलें, तो आज का ये आपका ईश्वरीय वरदान आप खुश रहें सुखी रहें तंदुरुस्त रहें ओम शांति